प्यारे बच्चों, फाइनली सत्र 2022-23 के लिए हमारी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम पैटर्न लगभग कंप्लीट हो चुका है। चाहे आपकी क्लास 3rd to 8th हो, 9th to 12th हो, आपकी कॉपीज आपको दिखाई दी गई होंगी, आपको मार्क्स और रिजल्ट भी पता लग गया होगा। अब मार्क्स और रिजल्ट के साथ साथ में आपको एक चीज़ तो आपने ज़रूर एनालाइज किया होगा कि आपने फर्स्ट टर्म के लिए कितना पढ़ा था, तैयारी कितनी थी और मार्क्स आपके उसके अकॉर्डिंग कितने आए, आप कितना सीरियस थे अपने फर्स्ट टाइम एग्जाम को लेकर के। उसके साथ साथ में सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे सामने सेकेंड टर्म की तैयारी हमने कैसे करनी है। साथ में एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंड टर्म का वेटेज है, जो मार्क्स है वो ज़्यादा लगेंगे, तो तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई भी आपकी और ज़्यादा होनी चाहिए और सीरियस भी आपको ज़्यादा होना पड़ेगा। सेकेंड टर्म से रिलेटेड आपका सिलेबस क्या आएगा, पूरा आएगा या आधा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सैंपल पेपर कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल क्लियर करने वाला हूँ। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, चाहे आपकी क्लास कोई सी भी हो। स्वागत है आप सभी की नई वीडियो में, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ वीडियो को यार अभी लाइक कर दो, मेरे लिए शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस कितना रहेगा, तो फर्स्ट टर्म में आपने जितना भी आपके पास टोटल चैप्टर आ रहे थे उसका आधा पार्ट आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया और एग्ज़ाम में भी आपके उतना ही आया था जितना फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स थे। अब सेकेंड टर्म में जो आएगा वो पढ़ाई आपकी जितना आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया उसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा सेकेंड टर्म की तैयारी के लिए, क्योंकि आप इतने चैप्टर आपने पढ़ लिए तो वहाँ से आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा। तो पढ़ाई जब भी आप शुरू होगी तो सेकेंड टर्म वाले चैप्टर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि सिलेबस क्या सेकेंड टर्म वाला ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। आपका जो सिलेबस है वो टोटल सिलेबस आएगा, टोटल यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ाया आपको सिर्फ सेकेंड टर्म का जाएगा। लेकिन जब आप रिविज़न करेंगे तो रिवीजन आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का करवाया जाएगा। और अगर आपके टीचर्स आपको सिर्फ सेकेंड टर्म का पढ़ा रहे हैं तो आपने उन्हें ज़रूर बताना है कि फर्स्ट टर्म की भी रिवीजन करवाइए, क्योंकि पूरा सिलेबस आएगा। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात यह कि जो 10th और 12th है ना, उनके फर्स्ट टर्म का वेटेज एकदम ना के बराबर लगेगा, बिल्कुल मतलब इंटरनल असेसमेंट में वो काउंट होंगे। तो जो सेकेंड टर्म यानी कि फाइनल एग्ज़ाम है ना, बोर्ड एग्ज़ाम, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे मार्क्स आपके सेकेंड टर्म बोर्ड एग्ज़ाम के लगेंगे, तो पूरा सिलेबस होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो प्रश्न का पैटर्न होगा वो क्या रहेगा, सैंपल पेपर। जो अपने सैंपल पेपर देखे हैं ना, जो भी साइड पे हैं, वो सेकेंड टर्म की तैयारी के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। मतलब जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहेगा जैसे फर्स्ट टर्म में आपके पास पेपर आया था। फ़र्क कितना रहेगा कि उसमें टोटल चैप्टर होंगे और मिड टर्म में आपके आधे चैप्टर थे, अब आपके पूरा चैप्टर होगा। सैंपल पेपर की बात करेंगे तो 10th और 12th के लिए CBSE ने ऑलरेडी सैंपल पेपर पहले दे रखा है और आपने नोट किया होगा कि सैंपल पेपर में प्रश्न सेकेंड टर्म के भी पूछे गए थे, क्योंकि पैटर्न जो है ना वो तो एक ही रहेगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सबको मिला करके ही आपका सेकेंड टर्म बनेगा, तो जो सैंपल पेपर वो भी उसी के अकॉर्डिंग आया। हाँ, यहाँ पर DOE ने जितने पेपर आपको रिलीज़ किए हैं सैंपल पेपर, उसमें से आपको ये ज़रूर देखने को मिला होगा कि किसी में तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का पूछा गया था, किसी में सेकेंड टर्म का भी पूछा गया था। तो आपको माइंड सेट करके चलना है कि पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, रिविज़न पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। और यस, अगर आपने पहली बार में मिड टर्म में आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो जब रिवीजन का समय आएगा तो आप ध्यान से सारे टॉपिक और चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है किसी भी क्लास की, तो हमारे चैनल पर सारी वीडियोस पड़ी हुई है, चैप्टर की वीडियोज हैं, ग्रामर पार्ट, जितने भी आपके पास ग्रामर के टॉपिक्स हैं ना, सब के सब वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए जिसमें कि आपको प्रीवियस क्लास के सारे आपको वहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेकेंड टर्म का क्या पैटर्न रहेगा। आपको अपनी तैयारी स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया रखनी है,
ताकि आपको बीच में दिक्कत ना आए और आप ओवरलोड ना रहें। सेकेंड टर्म में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, ज़्यादा सीरियस होना होगा, क्योंकि वेटेज ज़्यादा लगेगा। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके किस सब्जेक्ट में सबसे वीक थे आप और किस सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं फर्स्ट टर्म में कैसा रहा आपका, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ। और आपके मन में जो भी सवाल, जो भी डाउट रहते हैं, जिस भी टाइप का होता है, स्टडी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट जरूर किया करें। साथ में आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के मैं फॉलो कर लीजिए। और अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।